गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास फॉर क्लास 5। स्टूडेंट्स, एज यू नो, यस्टरडे आई टॉट यू एक्सरसाइज 22 एंड यू ऑलरेडी हैड सबमिटेड योर होमवर्क ऑल्सो, बट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स। ओके, सो प्लीज, दिस इज वेरी कंसर्निंग मैटर। आप सभी अपने अपने होमवर्क सबमिट करें क्लास 5 के स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस टूडे एक्सरसाइज 23। एक्सरसाइज 23 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये बताना है कि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखिए, इसका बहुत आसान सा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। लाइक फैक्टर्स ऑफ 21 क्या क्या हो जाएगा, 1, 3, 7 एंड 21। ओके, नाउ अब हम लोग फैक्टर निकालेंगे 40 का। तो 40 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहां पर 21 एंड 40 के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है सिवाय 1 के। दैट मीन्स इन दोनों में केवल 1 ही है जो कॉमन है। अगर ऐसा होता है तो इसका यह मतलब हुआ कि इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है तो वो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। दैट मीन्स अब वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ओके, नाउ इसे हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर एक नंबर है 36 एंड 81। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 36 के फैक्टर्स को लिखेंगे। तो 36 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 एंड 81 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 9, 7, 9, 27 एंड 81। तो अब अगर हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर देखें तो 36 एंड 81 में कॉमन फैक्टर है 1, 3 एंड 9। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर किसी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और होता है तो वो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है। तो यहां पर इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9, वो तो इनका एचसीएफ हो गया 9। दैट मींस अगर किसी भी नंबर्स के एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और होंगे तो वो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है। देयरफॉर 36/81 इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है अलग सेट का। वो कह रहा है क्या कि रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन नंबर्स को हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड नंबर इज 16 एंड 24। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपली तो आप इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो ऐसा करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका एक बहुत ईजी वे है। आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड आउट कर लेंगे। हम लोगों ने एचसीएफ को पहले ही निकालना सीख लिया है। तो जब इनका एचसीएफ फाइंड आउट किया जाएगा 16 एंड 24 का, देन द वैल्यू विल बी 8। नाउ अब इनका जो एचसीएफ आया है, उस एचसीएफ से इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करिए। लाइक दिस, यहां देखिए इसका एचसीएफ 8 आया है और मैंने इस 8 को 16 से भी डिवाइड किया और 24 से भी डिवाइड किया। तो जब 16 को डिवाइड करेंगे 8 से तो वैल्यू 2 हो जाएगा, और जब 24 को करेंगे 8 से डिवाइड तो वैल्यू 3 हो जाएगा। सो नाउ इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आप सभी एक्सरसाइज 23 होमवर्क में बनाएंगे। ओनली 18 क्वेश्चंस है इसमें, तो आप लोग इसे बनाने में बहुत इसे एंजॉय भी करेंगे। तो आप सभी इसे बनाएंगे, आज का आपका होमवर्क हुआ, और इसे अपने अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय।